इब्राहिम सैलरी क्लास अलाइंस टैक्सेस के खिलाफ जो है प्राइवेट सेक्टर जितना भी है सरकारी मुलाजमीन की तो तनख्वाहें बढ़ी थी उसमें से टैक्स कटा, इनकी तो तनख्वाहें भी नहीं बढ़ी थी और इनकी सैलरी टैक्स के इजाफे की वजह से कम हो गई हैं। मुलाजमीन अपनी भरपूर तैयारी रखे, निगोशिएशन पे अगर हमारे मामला हल नहीं होते तो हमें हर सूरत में निकलना है। तनख्वाहों में तफरीक के हवाले से जो हाउस एंड मेडिकल कन्वेंस और हायरिंग का हमारा इशू है, वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन है, मिनिमम वेजेस इदारों की निस्तारी का इशू और पेंशन रिफॉर्म के हवाले से बिल्कुल साथी भरपूर तैयारी रखें, जाग रहे हैं, एक एक चीज़ पर नज़र है। आपसे वादा है कि आपके हकूक में इंशाल्लाह ताला समझौता नहीं होगा और कोऑर्डिनेशन के साथ प्राइवेट सेक्टर जो है टैक्सेस के हवाले से इनको भी हम साथ लेके चलेंगे, हमारा और इनका ये कॉमन इशू है और इंशाल्लाह ताला हर सूरत में हम लोग कामयाब होंगे। इस मैसेज को शेयर भी करें कि प्राइवेट सेक्टर है, ये जहन में रखें तमाम सरकारी मुलाजमीन, टैक्सेस के हवाले से प्राइवेट सेक्टर भी इस वक्त जो है वो सड़कों पर आ चुका है। जो इजाफा था हमारा टैक्सेस की सूरत में तकरीबन 30 से 40% को इजाफा जो है वो ले लिया गया है। साथ ही भरपूर तैयारी रखें अपनी, इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते हमारी नेगोशिएशन है और उसके अंदर अगर मामला हल नहीं होते तो एक फिर से कोऑर्डिनेशन के साथ भरपूर तरीके के साथ हम निकलेंगे, किसी भी सूरत के अंदर किसी भी सूरत में मुलाजमीन के हकूक के ऊपर जो है समझौता नहीं होगा। इजाफा फिर से साथी इसको शेयर भी करें, तमाम मुलाजमीन अपनी भरपूर तैयारी रखें, कोऑर्डिनेशन के साथ हर सूरत के अंदर ये जो टैक्स के नए रेट्स हैं हमें इन्हें भी वापस करवाना है। तनख्वाहों में तफरीक का इशू हो, वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन हो, रेगुलराइजेशन का इशू हो, टैक्स रिफॉर्म्स हो या हायरिंग जो इस वक्त ड्यू हो चुकी है उन सबको हमने लेना है वापस।